प्रश्न है कि जोशीमठ को रिक्लेम किया जा सकता है, जोशीमठ का जो स्लोप धंस रहा है, जो ढाल धंस रहे हैं, जो वहाँ लैंडस्लाइड आया, क्या उसको रिस्टोर किया जा सकता है? बड़ा दुखद है और ये उदास पहलू है, लेकिन नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर जोशीमठ का ज़्यादातर पोर्शन को अब रिक्लेम नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता है। जो घर वहाँ से नीचे की तरफ को ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो नहीं बचाए जा सकते। अब स्थिति ये है, केवल एक ही काम किया जा सकता है और वो किया जा सकता है कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। अब सारा कंसंट्रेशन, शासन प्रशासन का सारा कंसंट्रेशन इस बात पे ध्यान होना चाहिए कि लोगों को बचाया जाए। हमारे दाहो का असर देख लेना, वो भर पाएंगे फिर कहर देख लेना। धन्यवाद। जोशीमठ में ही सीपीआई एमएल से जुड़े एक लोकल एक्टिविस्ट हैं अतुल सती। लगातार वो इस मुद्दे पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। इस समस्या को विस्तार से समझने के लिए मैंने उनसे भी बात की और पूछा कि क्या ये घटना हाल फिलहाल के सालों की है या इसका इतिहास और पुराना रहा है। ये जो जोशीमठ है ये एक मोरेन पर बसा हुआ है, यानी कि ग्लेशियर के द्वारा लाई गई मिट्टी, तो एक तरह का ये भूस्खलन के ही मलबे पर बसा हुआ है। और पहले भी 70 के दशक में 75 में यहाँ ऐसी घटनाएं हुई, भूस्खलन हुए और कुछ भवन भी ढहे। तो फिर समय की सरकार ने 1976 में एक कमेटी का गठन किया, उसको मिश्रा कमेटी कहते हैं, उस महेश चंद्र मिश्रा वो यहाँ गढ़वाल के आयुक्त थे, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने अपने अध्ययन में ये बात कही कि जोशीमठ जो है यहाँ अगर भारी निर्माण कार्य किए जाएंगे तो जोशीमठ को नुकसान हो सकता है, इसके नीचे जो बोल्डर्स हैं उनको छेड़ा नहीं जाना चाहिए, यहाँ की जो ढलान है उसमें वृक्ष रोपे जाने चाहिए, यहाँ जंगल का कटान नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी उन्होंने सिफारिशें की और ये कहा कि जोशीमठ के अस्तित्व के लिए ये जरूरी है कि ये तत्काल किया जाए। लेकिन सरकारों ने पिछले 40-50 सालों में इस रिपोर्ट की लगातार अनदेखी की। पहले यहाँ बेतरतीब निर्माण हुए, वो सरकारी भी थे प्राइवेट भी थे, और उसके बाद जो है जल विद्युत परियोजनाओं का जाल बिछा। पहले जो है उत्तर प्रदेश के जमाने में जयप्रकाश कंपनी की विष्णु प्रयाग परियोजना यहाँ बनी, जिसके विस्फोटकों से पूरा जोशीमठ हिला। उसने भी 12 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई और उस सुरंग में विस्फोट किए और उसके बाद जो है राज्य बनने के बाद यहाँ इसी ब्लॉक में, जोशीमठ ब्लॉक में ही बहुत सारी परियोजनाओं की स्वीकृति में, उसमें मुख्यतया तपोवन विष्णु घाट परियोजना की जो एनटीपीसी जिसको बना रही है, जिसमें 7 फरवरी को आपदा आई और जहां 200 से ज्यादा लोग मर गए, वही परियोजना की जो सुरंग है, टनल है, वो जोशीमठ के ठीक नीचे से गुजर रही है। और सन 2003-04 में जब इसका सर्वे ही शुरू हो रहा था तभी हम लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उसके बाद लगातार हमने जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के तहत जो है इस पर आंदोलन किया कि ये परियोजना ना बने। यहाँ तक कि आंदोलन इतना तीव्र था कि तब के जो मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, वो जोशीमठ में उसका उद्घाटन करने नहीं आ पाए परियोजना का। 2010 में हमारी जो आशंकाएं थी वो सच साबित हुई और ये जो परियोजना की टनल है उसमें रिसाव शुरू हो गया, एक बोल्डर गिर गया टीबीएम मशीन के ऊपर और मशीन भी ध्वस्त हो गई, और उसके बाद टनल है उसमें से 600 लीटर पर सेकंड की दर से पानी का रिसाव शुरू हो गया। लेकिन जो अभी की परिघटना है ये अभी पिछले साल 2021 में नवंबर माह से शुरू हुआ है, लगातार ये दरारें, इनका दायरा जोशीमठ के तमाम मोहल्लों में फैलता चला गया और पिछले एक महीने में तो ये दर बहुत तेजी से बढ़ी। अतुल जी, आप एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुखर हैं इस मुद्दे पर, मौजूदा सरकार का जो रवैया है वो क्या रहा है अब तक और आपकी क्या मांग है? चाहे वो जिला प्रशासन हो, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, उनको फोन कीजिए उनका फोन स्विच ऑफ आता है, यहाँ की जो एसडीएम है उनको आपने छुट्टी पर भेज दिया है, तो स्थिति बहुत भयावह है। और आज जो है जोशीमठ में सैकड़ों लोग जो है अपने भय के वातावरण में रह रहे हैं, घर मकान ढह रहे हैं लगातार, उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा आसरा नहीं है। सरकार अब हरकत में आई है तो कुछ लोगों को शिफ्ट किया है, लेकिन उसमें भी हमारा दबाव ज़्यादा है, सरकार की हरकत कम है। तो लगभग 40 परिवारों को अभी तक जो है घर अपना छोड़ना पड़ा है और ये स्थिति दिन प्रतिदिन विकट होती जाएगी। 20 से 25 हज़ार की आबादी का ये नगर है
और 5 से 6 हजार परिवार यहाँ रहते हैं, उन परिवारों का भविष्य जो है दांव पर। ऐसे में अगर सरकार जो है इसको बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन मानते हुए कार्यवाही नहीं करती है, स्थिति भयावह होती जाएगी और ये जो है इतना पुराना, इतना महत्वपूर्ण नगर ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा।